नमस्कार, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम सुपरसेल आईडी की मदद से एक ही डिवाइस में दो या उससे ज्यादा फॉर्म रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम खुलते ही आप अपर लेफ्ट साइड में एक सेटिंग आइकन देख सकते हैं, हमें उस पर क्लिक करना है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑलरेडी ये सुपरसेल आईडी से कनेक्ट करके ही रखा होगा, लेकिन अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। बाकी प्रोसेस सेम है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। फिर कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है और हमारी मेल आईडी इधर डालनी है, जैसे कि मैं अपनी डाल लेता हूँ। और नीचे एक ऑप्शन है रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस, उस पर हमें क्लिक करना है ताकि अगली बार लॉगिन करने पर हमें ओटीपी ना देना पड़े। और सुपरसेल आईडी में कोई पासवर्ड नहीं होता, हमें हमारी मेल आईडी में ओटीपी आता है, उससे हमें लॉगिन करना होता है। तो चलिए मैं अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे हमें सबमिट पे क्लिक करना है और लोड गेम अकाउंट ऐसा पूछेगा, तो कंफर्म क्लिक करते ही हमारा फॉर्म लोड हो जाएगा। और अब मेरा फॉर्म खुल चुका है जहाँ से मैंने खेलना बंद किया था, और अब मैं यहाँ से वापस खेल सकता हूँ। और अब दूसरा अकाउंट डालने के लिए फिर से हमें सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर सुपरसेल आईडी पे क्लिक करना है और फिर वहाँ से सेटिंग और लॉग आउट। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने गेम में जो भी प्रोसेस किया है वो सब सेव रहेगा, आपका लेवल वही का वही रहेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं लॉग आउट करता हूँ। फिर से लॉग इन विथ सुपरसेल आईडी पे क्लिक करना है और लॉग इन विथ अनदर सुपरसेल आईडी पे क्लिक करना है हमें, ताकि हम दूसरा फॉर्म ऐड कर सकें। हम एक ही फेसबुक अकाउंट को एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए जोड़ सकते हैं, लेकिन सुपरसेल आईडी में एक ही फॉर्म कनेक्ट होता है, इसलिए हमें दूसरी सुपरसेल आईडी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। और रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस पे भी हमें क्लिक कर लेना है ताकि अगली बार हमें ओटीपी ना देना पड़े। और हमारे जीमेल के इनबॉक्स में इसका ओटीपी आ गया होगा, तो चलिए मैं देख लेता हूँ, 654321। उसे यहाँ पे एंटर करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। फिर कन्फर्म पे, और जैसे ही कन्फर्म करेंगे हमारा दूसरा फॉर्म भी लोड होके हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसे कि हम दूसरे फॉर्म में आ चुके हैं, और यहाँ पे गेम खेल लेने के बाद वापस पहले वाले फॉर्म में जाने के लिए सेटिंग पे क्लिक करें और फिर सुपरसेल आईडी पे क्लिक करें, बाद में सेटिंग और लॉग आउट। और इस बार भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोसेस सेव रहेगा। फिर लॉग इन विथ सुपरसेल आईडी, और आपको जीमेल आईडी में से सिलेक्ट कर लेना है कौन सी खोलनी है, और वो फॉर्म खुल जाएगा जैसे कि हम पहले वाले फॉर्म में आ चुके हैं। और वापस जाने के लिए फिर सेटिंग, सुपरसेल आईडी पे क्लिक और सेटिंग्स और लॉग आउट और लॉग इन विथ सुपरसेल आईडी और दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी है। और जाते जाते देख लेते हैं कि फार्म विजिटर को क्या चाहिए। ओ, फार्म विजिटर कह रहे हैं कि अभी तक आपने अल्ट्रा सिंपल गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।